हेडिंग डाल दो कैंसिलेशन लाभ, कैंसिलेशन लाभ। इसमें लिखना इफ इफ ए कॉमा बी एंड सी, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स सच दैट, सच दैट ए सी कॉन्ग्रुएंस बी सी मॉडुलो एम, जहां पर एम ग्रेटर देन जीरो है, ठीक। देन इफ ए बी सी आर इंटीजर्स सच दैट ए सी कॉन्ग्रुएंस बी सी मॉडुलो एम, एम ग्रेटर देन जीरो ठीक, इज अ फिक्स्ड इंटीजर, इज अ फिक्स्ड इंटीजर, और m कोई फिक्स्ड इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव बना रहता है ठीक। एंड एंड जीसीडी ऑफ c कॉमा m इज इक्वल टू d, देन देन a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m अपॉन d, ये रहा। सुनो इसका मतलब क्या है, हम लोग एक रिजल्ट पढ़े हुए थे जिसमें हम लोगों ने कहा कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम है तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मॉडुलो एम, ये हम लोग लिख सकते हैं। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम है तो ए और बी में किसी का भी मल्टीप्लाई करो, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा कई बार उल्टा लोग समझ लेते हैं, कहते हैं अगर ये से ये पहुंच गए तो सी को डिलीट मार दो तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मतलब यहां से यहां का रास्ता तो है लेकिन यहां से यहां का रास्ता नहीं है, तब मॉडुलो सिस्टम ही आपका बदल जाएगा, जो अभी मॉडुलो एम पर काम करे वो चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ लो, इसका मतलब ये है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है तो एम इज द डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी होगा ही होगा, ये तय हो गया। अच्छा और दिस इंप्लाइज दैट अगर एम ए माइनस बी का डिवाइजर है तो एम इज द डिवाइजर ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी, वो उसके किसी मल्टीपल को भी काटेगा ही काटेगा। और इस बेसिस पे अब हमको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट एम इज द डिवाइजर ऑफ ए सी माइनस कितना बी सी, यानी हम लिख सकते हैं ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मॉडुलो एम। तो यहां से वहां तक पहुंच गए, लेकिन अब उल्टा देखना, किसी ने कह दिया कि ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मॉडुलो एम, ये वो कह देता है, तो यहां से पता चलता है एम इज द डिवाइजर ऑफ C into A minus B, ये हो गया। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं निकलेगा कि M is the divisor of A minus B, ये मतलब इसका नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 is the divisor of 15, लिख सकते हैं कि नहीं, 3 is the divisor of 15, यानी 3 is the divisor of 3 into 5। अब गौर करो अगर आप इस 3 को हटा दोगे तो अब जो बचेगा ये हो गया किसकी जगह, C की जगह, और ये हो गया किसकी जगह पर, A minus B की जगह। तो ऐसे में 3 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 5, तो इसीलिए हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ तो आ सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। तो सामने वाला एक सवाल पूछता है कि यार बताओ मुझको कैंसिलेशन लॉ क्या है, कैंसिलेशन लॉ का मतलब ये कि क्या हम इस सी को हटा सकते हैं कि नहीं, दोनों जगह पर मौजूद है। तो जवाब में हटा सकते हो लेकिन मॉडुलो सिस्टम बदल जाएगा, जो अब तक मॉडुलो एम पर काम कर रहे थे अब वो काम करेंगे मॉडुलो एम अपॉन जीसीडी ऑफ किसका किसका, जिसको हटा रहे हो वो, ये कहां गया, जिसको हटा रहे वो सी और फिर कौन एम, जो पुराना मॉडुलो सिस्टम जिस पर चल रहा था। तो हम लोग सीधे लिख देते हैं इट इज ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम अपॉन डी। चलो नोट कर लो, कोरोलरी वन लिखना, रिजल्ट उजल्ट का हम कोई प्रूफ नहीं दे रहे, सीधे रिजल्ट पे आ रहे हैं। कोरोलरी वन,
कोरोलरी वन, इसमें लिखना है इफ इफ ए कॉमा बी एंड सी, ठीक, आर इंटीजर्स एंड सी आर इंटीजर्स, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इंटीजर्स सच दैट, सच दैट, अगर ये इंटीजर्स हैं, और किस तरीके के इंटीजर्स हैं, कि ए सी कांग्रुएंट बी सी मॉडुलो एम है, एंड द जीसीडी ऑफ सी कॉमा एम इज इक्वल टू वन है। एक सवाल बनता है कब ऐसा होगा जब मॉडुलो सिस्टम चेंज ही ना हो। जैसे हमने कहा अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो मॉडुलो अगर पुराना m था तो नया वाला m अपॉन जीसीडी हो जाएगा, m अपॉन d हो जाएगा। तो कोई पूछे कब मॉडुलो सिस्टम चेंज नहीं होगा, जवाब है मॉडुलो सिस्टम उस दिन चेंज नहीं होगा जिस दिन ये सी एम के साथ कोप्राइम बन जाए। क्यों? कोप्राइम बन गया तो आपका जीसीडी कितना आएगा, वन, और m अपॉन वन का मतलब m ही रह गया। क्लियर हुआ? यही लिख रहे हैं, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स सच दैट ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मॉडुलो m एंड जीसीडी दिस, देन ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, ये ट्रू हो जाएगा। अब ये फ्लैट स्टेटमेंट कोई पूछ सकता है कि ए सी कॉन्ग्रुएंस बी सी मॉडुलो एम है, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम हो गया, किस शर्त पर हुआ? जवाब है सी और एम को प्राइम हो गए, अदरवाइज ये सी और एम के जीसीडी से डिवाइड हो गया होता। क्लियर है? नोट कर लो। मिटा जाए, हो गया दिव्यांश, लिखो लिखो, तब तक ऐसे रोक दो अर्पित, जितनी एम बी बची रहे वही बहुत है। कितने, अरे टोटल कितने थे वही पूछते हैं। अरे यार कुछ अंदाजा लगा होगा, हाँ तो बस यही पूछ रहे, गिनने थोड़ी पूछ रहे, हाँ सबका पूछ रहे हैं। कोरोलरी टू, हम मॉडुलो सिस्टम में काम करते हैं, जब हम पूछते हैं ना कितने लड़के थे तो मॉडुलो की दुनिया में लड़का और लड़की बराबर कर देते हैं, मतलब सारे को जोड़ करके बताओ क्लास में स्टूडेंट कितने थे। कोरोलरी टू, सेकंड कोरोलरी, इसमें लिखना इफ ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मॉडुलो एम, अगर ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मॉडुलो एम, अच्छा ये ना एम की बजाय तुम इसको पी करो, एम तो लिख ही चुके हैं, इसको पी कर दो, ठीक, एंड पी इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ सी, ठीक, वेयर, जहां पर वेयर पी इज प्राइम, वेयर पी इज प्राइम, जो पुरानी वाली कोरोलरी वन लिखे हो ना ये उसी का और पर्टिकुलर केस है। पुराने वाले में हमने क्या लिखा, सी और एम को प्राइम हो जाए, यहां हम क्या लिख रहे हैं, एम की जगह प्राइम बैठा दिए और ये भी शर्त दे दिए कि ये प्राइम सी को काटेगा नहीं, तो अगर प्राइम सी को नहीं काटेगा तो प्राइम के साथ इसका जीसीडी कितना होगा, वन, तो पुरानी वाली कोरोलरी का ही पर्टिकुलर केस हो गया। Where P is prime, then A congruent होगा B modulo M के। अब यही बात याद रखना, AC congruent BC modulo M है, तो cancellation law कहता है modulo system change हो जाएगा, A congruent B modulo M upon GCD of CM हो जाएगा, एक बात, और अगर GCD 1 हो गया तो modulo system change होने का नाम नहीं लेगा, जैसे का तैसे बना रहेगा। Clear हुआ? चलो आप न्यूमेरिकल लगाते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर महत्तम समापवर्त, याद आया, शॉर्ट में उसी को जीसीडी बोलते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ना लिखना प्रॉब्लम, लिखना प्रॉब्लम, देखो ऐसी प्रॉब्लम के लिए अब ये सारी नौटंकी पढ़ी गई है। Which of the following is oblique R true?
सबसे पहला दे रहे हैं 2 की पावर 20 माइनस 1 कांगुरेंट 0 मॉडुलो 41 पहला, दूसरा दे रहे हैं सेकंड ऑप्शन है 2 की पावर 20 माइनस 1 कांगुरेंट 3 मॉडुलो 41 फिर थर्ड है 2 की पावर 20 माइनस 1 कांगुरेंट 82 मॉडुलो 41 ठीक। और लास्ट चौथा ऑप्शन ये दे रहे हैं 2 की पावर 20 माइनस 1 कांगुरेंट 1 मॉडुलो 41 गर्मी इतनी भयंकर है कि मतलब कंडीशन अजीब ही वाली गर्मी हो रही है, ये उस सड़न वाली गर्मी जिसको कहते हैं ना, वो कंडीशन चल रही है गर्मी की। पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा है, आई फ्लू फैला है ना? नहीं, मेरे आई फ्लू से चश्मा नहीं, मेरा तो चोट वाला है। हाँ, मेरा चोट वाला है, लेकिन मेरे साथ अलग ही दिक्कत आ रही है। ऐसे अब चश्मा लगा रहे थे, अब ऐसे पसीना किनारे किनारे जाकर के वो अंदर जाकर के फैलता है, इन्फेक्शन बढ़ा रहा है खूब अच्छे से, अब भयंकर बढ़ रहा है इन्फेक्शन। दवा चल रही, इन्फेक्शन जा ही नहीं, बस कॉन्टिन्यूस, और इन्फेक्शन मेरे को तकलीफ दे देते हैं कभी कभी, ज्यादा वाली दे देता है, इतने का दिन में करता है नवे प्रभाव। वो रीजन होता ना, ऐसी किताब देखो ना, सिर दर्द होने लगता है, क्योंकि वो एक ही आंख चल रही है, दूसरी वाली तो बिल्कुल डाउन पड़ी हुई है, उसकी बैटरी लो है, लोग यार डेड है बैटरी। चलो देखते हैं, सुनो कुल मिलाकर के स्टेटमेंट क्या है, 2 की पावर 20 माइनस 1 को 41 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ये बात सही है या गलत है? 2 की पावर 20 माइनस 1 को 41 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 बचेगा, 2 की पावर 20 माइनस 1 को 41 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 82 बचेगा। अब 82 का मतलब है 82 को 41 से डिवाइड करके जरा देखो, ये 0 ही है। हाँ या ना, यानी स्टेटमेंट सही ये है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, इट मींस एम इज द डिवाइजर ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू, तो इन दोनों के डिफरेंस को 41 डिवाइड करेगा, तो ये बात सही होगी। चलो चेक करते हैं, ख्याल रखना इस बात का, 2 की पावर 20 तक पहुंचना है, 2 की पावर 20 तक पहुंचना है, तो हम इस स्टेप में बढ़ेंगे कि हमारा काम आसान बना रहे, अचानक नहीं पहुंच सकते हैं, थोड़े थोड़े पे बढ़ते हैं। देखना, जैसे अब एक बात हमको पता है कि 2 कांगुरेंट 2 मॉडुलो 41, ये बात अपने को पता है, हाँ या ना, कोई टेंशन नहीं है। अब धीमे से इसको 10 तक पहुंचाना है, 20 तक पहुंचाना है, 20 तक पहुंचाने के लिए अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब हम लोग चलो इसको 2 बढ़ा करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 कांगुरेंट, ये कितना 4 भाई, 2 की पावर 2 उधर भी, ए कांगुरेंट बी मॉडुलो एम, ए की के कांगुरेंट बी की के मॉडुलो एम, लेकिन क्या कोई फायदा मिला? नहीं मिला, ठीक है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 41 अब 10 करके देखते हैं, 10 करने का मतलब है 2 की पावर 2, पावर कितना लगा दिए 5, तो क्या ये 2 की पावर 10 हो गया, और ये हो जाएगा कांगुरेंट 4 टू दी पावर 5, याद आया, ए कांगुरेंट बी मॉडुलो एम, देन ए की पावर के कांगुरेंट बी की पावर के मॉडुलो एम। अब जरा 4 टू दी पावर 5 करो कितना आता है, चल तो रहा ही होगा, 4 की पावर 5 कितना आएगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 गुड़े 16 करें 64 मल्टीप्लाइड बाई 16, आठ चार बारह दो हाँ से लगी, 6 3 9 1 10 1024 ठीक। अब जाने वाले हैं डिवाइड करने, ये आ गया 2 की पावर 10, ये 5 दूनी 10, 2 की पावर 10 कांगुरेंट कितना 1024 मॉडुलो 41, लिखना मत अभी, लिखना मत, आसानी की तरफ जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट 2 की पावर 10 कांगुरेंट 2, अब 1024 में 41 से डिवाइड लगाओ और चेक करो रिमाइंडर कितना बच रहा है, चलो 1024 और डिवाइडेड बाई कितना 41। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता अगर हम कम पावर बढ़ाएं तो मेरा काम और आसानी से हो जाए? जैसे इधर गौर करना, हम सीधे 2 की पावर 5 कर दें, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32,
नहीं होगा ना, 41 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो 32 गुणे 32 फिर हमको वो करना ही पड़ेगा, यही करके देख लेते हैं। चलो चार तिहाई 12 है, 120 हो जाएगा इधर से, तो दो बार जाएगा, दो दो 8, 82 कितना आएगा, 204। हाँ रिमाइंडर 40 बचेगा, अच्छा रिमाइंडर अगर 40 बचेगा तो ये हो गया 40 मॉडुलो कितना 41। अच्छा 2 की घात 20 आ जाए, 2 की पावर 10 टू दी पावर 2, हाँ या ना, कांगुरेंट 2 40 टू दी पावर 2 मॉडुलो कितना 41। क्यों, ए कांगुरेंट बी मॉडुलो एम, तो ए की पावर के कांगुरेंट बी की पावर के मॉडुलो एम, और 40 की पावर 2 का मतलब है 1600, 1600 को 41 से भाग लगाओ, 1600 डिवाइडेड बाई 41 ये कितना आएगा चेक करो, 1600 भागे 41 करो, पहले तो चार तीन 12 तीन बार लेकर के जाओ, 4 चौक 16 हो जाता ऊपर जाएगा, तो तीन बार लेकर के जाए, तीन बार ये हुआ 3 × 3 = 12 123, इधर से ठीक 10 में से 3 गए 7 और यहां पर 5 में से 2 गए 3, ये कट हुआ, ठीक सर कितना रहे 309। अच्छा रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, बस वही रिमाइंडर ही चाहिए था, तो ये 2 की पावर 10 कांगुरेंट 1 मॉडुलो कितना हो गया 41। अच्छा ये बताओ अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 2 की पावर 20 है, 20 10 दूनी 20, तो 2 की पावर 20 में से 1 घटा दो तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा कि नहीं, यानी तय हो चुका है कौन सा सही है, पहला सही, और अगर पहला सही तो ऑटोमेटिकली ये भी सही, अब ये बाकी गलत हो गए, तो इसका मतलब 2 की पावर 20 माइनस 1 में 41 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, क्लियर हुआ। पावर ऐसे धीमे धीमे बढ़ाते हैं, ठीक, मैक्सिमम बार कोशिश हम ये करते हैं ना कि पावर ऐसी बढ़ाए कि रिमाइंडर 1 बच जाए, तो उसके बाद पावर चाहे जितनी चढ़ा देंगे अपनी जरूरत के हिसाब से मेरा काम बनता रहेगा, लेकिन हर बार 1 बचे ये कोई जरूरी नहीं, जैसे इसमें कहीं 1 नहीं आया, लास्ट में जाकर के रिमाइंडर 1 आ रहा है, क्लियर हुआ, नोट कर लो, तो आगे चलो। हाँ बताओ बताओ, का कहे और का बता रहे हो, मैथमेटिशियन में इंडियन का बताओगे क्या, ऐसे ऐसे तो हम कहेंगे आईएन हर्स्टीन है प्रॉब्लम, फाइंड द रिमाइंडर, बस 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 वही वही जो बचपन से रखे हो, फाइंड द रिमाइंडर, रामजी लाल को जानते हो सर, रामजी लाल, अच्छा श्री रामजी लाल को जानते हो, नहीं जानते हो, अरे मैं नहीं जानते हो, तुमसे केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं बस, ऐसा नहीं है कि 1,00,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर तुमसे रह रहे हैं, लेकिन केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं रामजी लाल, और एशिया में ना लखनऊ 140 है, बनारस 150 है, पहले तुम अपना जी के सुधार लो, यहां पर फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन व्हेन 5 टू द पावर 48 इज डिवाइडेड बाय 24, अगर 5 टू द पावर 48 को 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यही देखना है। सॉल्यूशन, रामजीलाल ने जितना मॉडर्न अलजेब्रा लिखा उससे पार पाना किसी के लिए बड़ी जल्दी आसान नहीं है, ठीक है, इंडियन में अलजेब्रा में ब्रांड माने जाते हैं रामजीलाल सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 100 किलोमीटर की दूरी पर है यहां से, ठीक, पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, था अभी नहीं है, था, ठीक, सुनो 5 टू द पावर 48 को 24 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 कांगुरेंट 5 मॉडुलो 24, सही या गलत, 5 में 24 से भाग जाएगा नहीं, या आप ऐसे को 5 माइनस 5 यानी 0, 0 को 24 डिवाइड करता है, अच्छा अब देखना दिस इंप्लाइज दैट, कहां तक पहुंचना है 39 तक ना, धीमे धीमे बढ़ाते हैं, ये 24 है, अगर हम इसको 5 की 2 करें तो 25 हो जाएगा ये भी, आया ना, और 25 में 24 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना चढ़ेगा 1, तो 1 मॉडुलो कितना हो गया
20, सहमत हो? अब मेरा काम बन चुका है, अब मेरे को कितना करना है, 48, आज 24 दूना 48, तो दोनों साइड में पावर 24 24 चढ़ा दें, क्यों? ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, तो ए की के कोई भी पावर आप लगाओ, कॉन्ग्रुएंट बी की के मॉडुलो एम, यानी दिस इंप्लाइज दैट 5 की पावर 2 टू दी होल पावर 24, कॉन्ग्रुएंट 1 टू दी पावर 24 मॉडुलो 24, यानी दिस इंप्लाइज दैट 5 टू दी पावर 48 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 24, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना हुआ 1, सो वेल 5 टू दी पावर 48 डिवाइडेड बाय 24, वी गेट 1 एज रिमाइंडर, ये चल रहा है ना अर्पित, वी गेट 1 एज रिमाइंडर, हम 1 को एज अ रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। रामजीलाल सर जब होमोमार्फिज्म आइसोमार्फिज्म पढ़ाते हैं ना, भूल जाओ कि वो क्लास में खड़े हैं, फिर वो भयंकर चर्चा करते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मांड सब की चर्चा कर डालेंगे, और रिटायर हो चुके हैं, अभी भी उनके शरीर में इतनी एनर्जी है, यहाँ टीचर पढ़ाने जाते हैं इसे इसे झूल करके पढ़ाते हैं, वो कोट पहन करके पढ़ाने जाएंगे, हे कूदे हो जाएंगे, इतनी एनर्जी है। हाँ सही में, अच्छा छोटे आदमियों के अंदर एनर्जी बड़ी होती है, जो शरीर से छोटे होते हैं शरीर हल्की हुए, अब तगड़ी एनर्जी होती है उनके अंदर में, उनकी एनर्जी देख करके लगता है मतलब हाँ टीचर ऐसा एनर्जी से एकदम लबारेज होना चाहिए, भरे हुए पूरी तरीके से। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। हाँ ये मारने में एनर्जी देख रहे हैं, हम पढ़ाने में देख रहे हैं, मारने में एनर्जी खोद रहे हैं, हो गया मिटाया जाए। अच्छा ये नहीं, इसमें चौक इतनी भरी हुई है, हम तो ऊपर से नीचे लाएं तो जो गिरे नीचे गिरे, नीचे से ऊपर जाएंगे ज्यादा गिरेगी, लॉजिक होता है। लॉजिक यही है, नहीं मेरी आदत है, हम हमेशा ना वो लास्ट से मिटाने की कोशिश करते हैं, मेरी आदत, मेरे वो दिमाग में रहता है कि लास्ट से ही मिटाना है, ऐसा नहीं कि जानबूझ करके, मतलब जानबूझ करके ही तो जब मेरे दिमाग में, तो जानबूझ करके हुआ प्रॉब्लम। लिखना फाइंड द रिमाइंडर when the sum capital S is equal to factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus up to so on plus factorial 1000, ठीक, is divided by 8, factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 up to so on factorial 1000, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें इस पूरे सम को, रिमाइंडर कितना आएगा वही पूछ रहा है। चलें सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन देखना, सुनो वन बाई वन करो, इतने टुकड़े हैं तो वन बाई वन काम करते हैं, सुनना, फैक्टोरियल 1 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो फैक्टोरियल 1 कम से कम 8 से तो डिवाइड होने वाला नहीं है, तो रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 1, मॉडुलो कितना हो गया 8 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 छोड़ा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी 2 ही, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉडुलो 8, रीजन है इसकी वैल्यू 2 आती है, 2 8 से डिवाइड होगा नहीं तो रिमाइंडर 2 छूट जाएगा, फैक्टोरियल 3 कॉन्ग्रुएंट 3 दूना 6, तो 6 मॉडुलो कितना हो गया 8, लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 8 त्रिक 24 कट गया, रिमाइंडर कितना आया, अब खोपड़ी दौड़ाना, अब अगर आप फैक्टोरियल 5 लिखते हो तो फैक्टोरियल 5 टूटेगा 5 गुड़े फैक्टोरियल 4, हाँ या ना,
और फैक्टोरियल 4 8 से डिवाइड हो गया था तो वो भी 8 से डिवाइड होगा। अब अगर आप फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 6 लिखते हो तो टूटेगा 6 × 5 गुड़े फैक्टोरियल 4। कुल मिलाकर के ऑनवर्ड अब आगे जितना जाएगा सब में फैक्टोरियल 4 आएगा आएगा निश्चित तौर पर। तो इसका मतलब हो गया कि फैक्टोरियल 5 कांगुरेंट 0 मॉडुलो 8। सारे लोग सहमत हो इस बात से, और ये ऑनवर्ड ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में होगा 1000 फैक्टोरियल कांगुरेंट 0 मॉडुलो कितना 8। हाँ या ना। अब एक रिजल्ट हम लोग ने पढ़ा है यूजिंग ए कांगुरेंट बी मॉडुलो एम सी कांगुरेंट डी मॉडुलो एम इंप्लाइज दैट ए प्लस सी कांगुरेंट बी प्लस डी मॉडुलो एम। पढ़ा है लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट जोड़ा, तो सोचो इनको सबको जोड़ो क्या यही कैपिटल एस है कि नहीं है। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन प्लस फैक्टोरियल 1000 कांगुरेंट। अब इधर वाला जोड़ो 6 × 2 = 8 = 9, तो 9 मॉडुलो कितना हो गया 8। लेकिन मुझको पता है बट 9 कांगुरेंट 1 मॉडुलो कितना 8। सहमत हो कि नहीं। तो ए कांगुरेंट बी मॉडुलो एम बी कांगुरेंट सी मॉडुलो एम कंबाइंड करके दिस इंप्लाइज दैट फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन प्लस फैक्टोरियल 1000 कांगुरेंट। बोलो रिमाइंडर कितना बचा 1 मॉडुलो। इसका मतलब इस पूरे सम को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर केवल कितना आएगा 1 आएगा। बस नोट कर लो, आसान है। डिविजिबिलिटी को आसान करना इसीलिए कांग्रुएंस मॉडुलो इसको काफी आसान कर देता है, यही है अलजेब्राइक टूल आपका। अब तुम सोचो इसी एक सवाल से हम चाहे जितना बना ले, हम इसको फैक्टोरियल 10 पर रोक दें, हम इसको फैक्टोरियल 200 पर रोक दें, हम इसको 500 पर, हर बार रिमाइंडर बचेगा तो कितना बचेगा 1। बदलना तो है ही नहीं है। अब इसी को अगर हम मॉडुलो 9 कर दे तो बता सकते हो तब क्या होगा, मॉडुलो 9 पर रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि वो जोड़ कितना बचना है 0 आ रहा है। ऐसे ही सवाल छोटे मोटे नजर आते हैं, भारी भरकम सवाल यहां के लिए होते हैं एकेडमिक में, कंपटीशन में भारी भरकम नहीं, कंपटीशन में केवल लॉजिक चल रहा होता है। फोर इज डिवाइडेड बाई 17 प्रॉब्लम, फाइंड द रिमाइंडर when 2 to the power 24 is divided by 17। अगर आप 2 की घात 24 को 17 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा यही निकालना है। तरीका सुनना, तुरंत पावर ना बढ़ाना, हम लोग पावर चालाकी से बढ़ाएंगे। सॉल्यूशन सुनना, यही चीज सीखनी है इसमें। एक्चुअली पावर बढ़ाते बढ़ाते काम करना आसान होता है, लेकिन वहां भी हम लोगों को पावर ऐसे बढ़ाने कि मेरा काम बहुत आसान हो जाए। निकाल तो हम लेंगे चाहे हम थोड़ा मुश्किल से तरीके से निकालें, लेकिन सीखना है आसान तरीके से निकालना। तो हम सबसे पहले इसको लिख देते हैं 2 मॉडुलो कितना 17। ठीक, अब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अगर हम देखें तो 17 के नजदीक उधर 18 है और इधर 16 है, 17 बीच में पड़ा है, इधर कौन है 18, इधर कौन है 16। अगर आप 17 से 18 में डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, और इसमें लगाओगे तो कितना बचेगा, हाँ या ना, क्या 0, हाँ साइन 0, रिमाइंडर -1 नहीं बच सकता। अच्छा रिमाइंडर छोड़ दो, क्या ये होता है 16 कांगुरेंट -1 मॉडुलो 17, होता है कि नहीं होता है? ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते,
हम रिमाइंडर की बात ही नहीं कर रहे, रिमाइंडर चूंकि लिस्ट नॉन नेगेटिव होता है तो हम रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे हैं। क्या हम 16 कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मॉडुलो 17 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम है तो इसका मतलब एम इज द डिवाइजर ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू, तो 16 माइनस माइनस 1 कितना हो गया 17, और 17 को 17 काटता ही काटता है, लिख सकते हैं। बस यही मेरे लिए चालाकी है, मुझको तलाश अक्सर 1 की होती है, लेकिन वो 1 पॉजिटिव ना मिल करके बल्कि कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। अगर हम 2 की पावर को बढ़ाते जाएं तो 2 की पावर को बढ़ाने में 18 कभी नहीं मिलता, हाँ या ना, मल्टीपल में मिलता है पावर बढ़ाने पर, लेकिन 16 मिल जाता है, 2 × 4 × 8 × 16, तो मेरा काम बन गया है कितनी पावर पर, 4 पर। तो हम इसको लिख देते हैं दिस इंप्लाइज दैट 2 to the power 4 कॉन्ग्रुएंट 16 मॉडुलो कितना हो गया 17। एक काम और तुम ऐसे दिमाग में कर लो, 17 × 1 = 17 और 16 में से 17 गए कितना हुआ -1, यानी आप तुरंत लिख देना एंड 16 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो कितना हो गया 17, लिख सकते हैं। ये समझ में आया? अब इन दोनों को कंबाइंड करके हम लोग लिख देते हैं दिस इंप्लाइज दैट 2 to the power 4 कॉन्ग्रुएंट कितना -1 मॉडुलो कितना हो गया, लिखा जा सकता है। चाहिए 2 की पावर कितना 24 चाहिए 24, क्या ये बताओ 4 के पहाड़े में 24 आएगा कितनी बार, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 to the power 4 whole to the power 6 कॉन्ग्रुएंट -1 to the power 6 मॉडुलो कितना हो गया 17, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 2 की पावर 6 × 24 = 24 कॉन्ग्रुएंट -1 की पावर 6 कितना आएगा +1 मॉडुलो 17। इसका मतलब जब आप 2 की 24 में 17 से डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर कितना बचेगा 1 आएगा, हो गया आसान। इसी -1 की तलाश हो गई थी, बस काम खत्म किया, आप नोट कर सकते हैं। तो हमेशा +1 - 1 + 1 - 1 नहीं रहेगा, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चल जाएगा। एक देंगे अब तुम लोग करोगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 340 इज डिवाइडेड बाई 341। 2 की घात 340 को 341 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? वीडियो रोक दो, इतना आंसर सॉल्व करो। सुनो, इसमें ना पावर इस तरीके से ना कैलकुलेट करो कि मतलब 2 की पावर इतना करके देख लिए फिर इतना करके देख लेना, आपको दिमाग से खेलना है। और दिमाग ये है 2 की पावर देखो चढ़ा कितना है 340, और ये साफ बात है 340 10 का या 5 का मल्टीपल है। तो मेरे पास चालाकी है, हम पहले 10 तक पहुंचेंगे और 10 तक पहुंच करके देखेंगे, क्योंकि मुझको पता है अगर हम 10 के बाद पावर सीधे 34 कर देते हैं तो 34 × 10 = 340 हो जाता है। तो क्या पता एक अंदाजा मिलता है कि 10 तक चढ़ने पर वो कुछ ऐसा प्रोड्यूस करे कि रिमाइंडर 1 या -1 के आसपास हो, मेरा काम वहां से बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 2 congruent 2 modulo कितना 341, लिख दिया। इसके बाद हम कर देते हैं 2 की पावर 5 congruent, क्यों 340 या तो 5 का मल्टीपल या तो 10 का, हम इकट्ठे 10 पावर कर देंगे तो कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो हम 5 पावर चढ़ाते हैं और ये हो जाएगा 2 की पावर 5। तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 तो हो गया 32 मॉडुलो कितना हो गया 341। सवाल उठा ये तो डिवाइड ही नहीं होने वाला, अब क्या किया जाए, फिर से इसी चीज को दोबारा लिखो 2 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट 32
मॉडुलो कितना हो गया 341। दिमाग में ये आता कि यार इतने पर नहीं हुआ, अब सीधे पावर टू करें तो 32 की पावर 2 हो जाता। हाँ वो भी कर सकते हो, और चाहे तो अब ऐसे कर दो, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट प्रोडक्ट कर दो, 2 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट। अब 32 × 32 करो तो 32 × 32 तुम्हारा 1024 जाएगा। हाँ या ना, ये चढ़ गया 1024, और मॉडुलो कितना हो गया 341। अब गौर करना, इस पर निगाह डालो, 3 × 9 900 पहुंच गया, 4 × 3 = 12 120 पहुंच गया, 900 और 120 कितना हो गया 1020, और ये हो गया काम। यानी कि अगर हम 1024 में डिवाइड लगा दे किससे, 341 से, तो 3 बार जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 की 2 हाथ से लगी, 3 × 9 = 1 = 10। अब इन दोनों का अंतर कितना 1, यानी 2 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो कितना हो गया 341। और बस मेरे को तलाश इसकी थी, क्या अब हम सीधे पावर 34 चढ़ा सकते हैं कि नहीं, चढ़ा दो दोनों तरफ, 2 की पावर 10 to the whole power 34 कॉन्ग्रुएंट 1 की पावर 34 मॉडुलो कितना हो गया 341। अब ये हो गया 2 की घात 340, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, लिख लो लास्ट लाइन वाइज लिख देना, वी गेट रिमाइंडर 1। सो रिक्वायर्ड रिमाइंडर विल बी 1, इसलिए जिस रिमाइंडर की हम बात कर रहे थे वो 1 होगा, नोट कर लो। मल्टीपल देखो किसका है, हाँ कभी कभी ये काम नहीं करता लेकिन अक्सर काम कर जाता है, जब कॉम्प्लिकेटेड डिजिट होगी तो वो काम नहीं करता। चले आगे, इधर अब फील आता है जैसे साइंस में जो कहा गया ना, अब नए में लोगों की औसत उम्र केवल 60 साल हो गई है, ये फील आता है कि लोगों की औसत आज 60 साल हो गई है। जिसको देखो उसको सही सलामत अल्लाह, सोचो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं वहीं ना, ओवर करते हैं, मतलब कह भी सकते हैं ओवर करते हैं, ये भी कह सकते हैं नहीं भी करते हैं ना, हाँ होगी नहीं वो एक्चुअली होता है ऐसा ना, कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे ना करने पर भी ऐसा पॉसिबिलिटी है, होता है। जैसे हम हैं, 100 पुशअप था मेरा नॉर्मली 100 पुशअप होता है ठीक, लेकिन उस पे ना कभी कभी मुझको एक दिक्कत आती है कि जैसे मेरे ना इस हिस्से पे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे हड्डियां दबा रही हैं ना, या अंदर में चेस्ट इस तरीके से है कि हड्डियों को एकदम निचोड़ रहा है, और ये ऐसे हाथ चढ़ जाएगा, फिर मेरे को इसको ऐसे खींच करके ऐसे दबाना है की आवाज आएगी, उसके बाद वो ठीक होगा, और वो बड़ी दिक्कत देता है। जबकि हम ना, जैसे एक होता है कि आप गलत तरीके से पुशअप कर रहे हो इस वजह से आपको दिक्कत आए, हम बाकायदा इक्विपमेंट रखे हुए हम बहुत सही सलामत तरीके से नपे तुले अंदाज में करते हैं। जबकि नॉर्मल है, 100 पुशअप्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो मेरा एक मतलब वर्कआउट रूटीन इतना ज्यादा भयंकर है, हम कोई जिम भी नहीं जा रहे, खुद से ही कर रहे हैं कि जिम में लोगों को देख करके पगला गए हैं। बॉडी है, कभी भी कहीं भी डिसबैलेंस हो गई तो गए काम से आप। अभी बीमारी तो पूछो मत, कोरोना के बाद से तो नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। कोरोना आया क्या, वो ऐसा करके गया है कि हर बार नई बीमारी दे करके जाएंगे, सिचुएशन ये बन रही है। प्रॉब्लम लिखना, और कहीं ऐसा ना हो कि अगला साल चलते चलते फिर कोई बीमारी कोरोना की तरह आकर के फाट पड़े। सोचा थोड़ी गया था कि लॉकडाउन जैसी चीजें भी होती हैं, सोचा नहीं गया था ये। फाइंड द रिमाइंडर, हाँ जब लोग कहते थे लॉकडाउन लग गया है चाइना में, तो हम लोग कहते थे भारत में कत्ता ही नहीं लग सकता है, भारत में इतनी ज्यादा भीड़, लोगों का काम रुक जाएगा, खाने पीने से मर जाएंगे, ये है वो, झौली भर का ज्ञान दिए। और जब मोदी जी आए, भाइयों बहनों तो ना चार चार महीना दो दो महीना, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन,
3 to the power 287 ठीक इज डिवाइडेड बाई सेवन नोट करो। एक बात तय है, ये जो 287 है ये 7 का मल्टीपल तो नहीं है, ये तय हो गया है ठीक। 7 का मल्टीपल नहीं है। 287 किसी से कट सकता है ऐसा कुछ लग रहा है? 287 किसी से कट सकता है ऐसा कुछ लग रहा है? 7 से कट जाएगा, कितने बताओ? हाँ टू एटी सेवन डिवाइडेड बाई सेवन इकतालीस, 7 का मल्टीपल है। लेकिन क्या तुम इसकी पावर 7 तक ले आ करके उसका मल्टीपल तैयार कर सकते हो? यही ट्राई करना है आपको, ये करके ही देखना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं कि तुम देख करके कह दो कि ऐसा होने वाला है ठीक। तो 7 का मल्टीपल नहीं लग रहा, 7 का मल्टीपल कट गया सीधे सीधे 7 से, 7 का मल्टीपल है। लेकिन सोचो क्या आप 3 की पावर को बढ़ाते बढ़ाते 7 की पावर बढ़ाते बढ़ाते ऐसा कुछ ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? और टेस्ट करके देखते हैं। चलो डिवाइड 7 से करना है तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में 3 तो कटने वाला नहीं है, 3 की पावर 2 कांगुरेंट टू, 3 3 का 9 और 7 से डिवाइड गया 2, 2 मॉडुलो कितना हो गया। अब एक्चुअल में वो है 7 का मल्टीपल ठीक, है 7 का मल्टीपल, लेकिन यहां 2 चढ़ चुका है, यहां कितना चढ़ गया 2, इसलिए बवाल यहीं से तय हो चुका है। अच्छा छोड़ो रहने दो, इसको बढ़ाओ 2 2 4 2 8 3 पावर के होते ही ये 1 प्रोड्यूस करना चालू कर सकता है। तो अगर हम कहें 3 की पावर 2 होल पावर 3 कांगुरेंट 2 की पावर 3 2 2 4 2 8 और 8 में 7 से डिवाइड लगाओगे तो कितना 1 मॉडुलो 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये एक्चुअल में हो गया 3 की पावर 6 कांगुरेंट 1 मॉडुलो कितना हो गया 7। तकलीफ सुनना क्या है, 1 तो बन गया, 1 बन गया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि 7 का मल्टीपल है तो हम एक काम ये करते हैं, लोगों के दिमाग में ये पहली बात आती है 3 की पावर 6, देखो लिखा गया 3 की पावर 6 कांगुरेंट 1 मॉडुलो 7, रिजल्ट दिमाग में आता है a कांगुरेंट b मॉडुलो m, तो दोनों तरफ c का मल्टीप्लाई कर दे, इसको बना ले 3 की पावर 7, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई 3 का इधर मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 3 to the power 7 कांगुरेंट 3 मॉडुलो। आया ना? अब अभी अभी तुमने कहा कि ये जो कौन था 287, 7 4 28 और 7 1 7 41, तो ये हो जाएगा 3 to the power 7 टू दी होल पावर 41 और कांगुरेंट 3 की पावर 41 मॉडुलो कितना। लेकिन फंसे कहां, 3 की 41 उड़ाना पड़ेगा और 3 की 41 उड़ाना मुश्किल काम है क्योंकि अब वो अलग से डील करना पड़ेगा, उसके बाद लाओगे। या 3 की 41 हो सकता है कहीं से आसानी से कट जाए, पॉसिबल है? 3 की 41 को देख सकते हो, चेक करते हैं ना अलग से, जा क्या रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 3 की 41 का मतलब है देखना 3 की पावर 2 कांगुरेंट 3 3 का 9, 3 3 का 9 3 27, लेकिन 41 तक जाना है मल्टीपल में, हाँ 41 प्राइम है। अच्छा 40 तक आते हैं, 7 का 7 7 1 7 2 9 3 3 का 9 रिमाइंडर 2 बचा, 2 मॉडुलो कितना हो गया 7। अच्छा इसके बाद फिर हम लोग एक काम करते हैं 2 2 4 2 8 ठीक, 2 2 4 2 8 यानी 3 की पावर 2 पावर कितना 3 कांगुरेंट 3 की पावर 2 पावर 3 कांगुरेंट 2 2 4 2 8 रिमाइंडर कितना हुआ 1 मॉडुलो कितना हो गया 7। तो 3 की घात 6 बनाइए, देखो तो यहीं पर तो आ रहे हैं हम लोग, यहीं पर आ रहे हैं, रुको देखते हैं 3 to the power 6 कांगुरेंट 1 मॉडुलो कितना हो गया 7। अच्छा 41 है और 6 7 42 पावर 6 चढ़ा दो ना, 3 to the power 6 whole to the power 6 कांगुरेंट कितना रहेगा 1 मॉडुलो 7 यानी 3 to the power 6 36 कांगुरेंट 1 मॉडुलो कितना हो गया 7।
अच्छा कितनी पावर चाहिए, 41, कितनी कम पड़ रही है, 440 एक 41, 3 की पावर 5 को चेक कर लो बस, 3 की पावर 5, दोनों साइड में 3 की पावर 5 का मल्टीपल दे दे रहे हैं, तो 3 की पावर 41 कॉन्ग्रुएंट 3 की पावर 5, सही कहा या गलत कहा, 3 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर 5 मॉडुलो कितना हो गया 7, लिख सकते हैं कि नहीं, और 3 की पावर 5 मॉडुलो 7 निकालना आसान है, हाँ या ना, टुकड़े में ऐसे ही पहुंचा जाता है, 3 की पावर 5 मॉडुलो 7 निकालना आसान है। अच्छा दूसरा रास्ता सुनो, दूसरा रास्ता एक और बता रहे, लेकिन वो भी थोड़ा लेंदी ही जाएगा, जैसे इसमें जा रहे हो, हम लोग कहां तक पहुंचे, 3 की पावर 6 तक पहुंच गए ना, अब तुम एक चीज गौर करना, अब तुम 6 को इसके नजदीक पहुंचाओ, तो हम एक काम करते हैं, अगर हम इसकी पावर कुछ ऐसा करें कि 6 का मल्टीपल कहां तक चढ़ेगा, पावर 41 लानी है, नहीं 287 लानी है, चालीस गुड़े छह कितना होगा, 0, 6, 24, 240 तक पहुंच गए, 287 तक पहुंचना ना, अच्छा 43 गुड़े 6 करो तो जरा, 6, 3, 18, 8 हाँ से लेगी, 6, 4, 24, 1, 25, 2, 58 पहुंच गए, अच्छा रुको इसके बाद फिर 47 करो जरा, 47 गुड़े 6, 6, 7, 42 की 2 हाँ से लेगी, 6, 4, 24, 1, 25 उल्टा कर रहे हैं उल्टा, 6, 7, 42 की 2 हाँ से लेगी 4, 6, 4, 24, 24, 4 कितनी पावर चढ़ा दो 47, तो हम यहां से लिख सकते हैं 3 की पावर 6 to the whole power 47 कॉन्ग्रुएंट कितना, 1 की पावर 47 वन ही रहेगा, 1 मॉडुलो कितना हो गया 7, सोचो आप आगे कितना 3 to the power कहां तक पहुंच गए, 282 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 7, अब सोचो हम किए यहां से चले 1, 2, 3, 4 और ये 5 लाइन में 382 पहुंच गए, अभी मुझको कमी कितने की है पावर में बताओ, 5 की कमी है, क्या वही 3 की पावर 5 मॉडुलो 7, 3 की पावर 5 का इधर, 3 की पावर 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर हुआ, तो चाहे ऐसे टुकड़े में करो चाहे ऐसे, कौन सा करोगे, ये वाला करोगे तो यही वाला करो, ये रहता है कि जब ये इतने तक पहुंच गया ना तो, और इधर 1 मिल गया तो चालाकी यही करना, इस पावर को इतना चढ़ाओ कि इसके नजदीक पहुंच जाए, क्यों, क्योंकि इस पावर को चढ़ाने से ये बदलने वाला नहीं, और उसमें देखो दम पे दम बदलना पड़ रहा था, कौन इक्वेशन नंबर 1, 3 माने, ऐसे निपटा दो, दो सौ इकतालीस को 7 से डिवाइड लगा देते हैं, 7 3 21 5 के लगभग, तब भी अगर तुमको 3 की पावर 5 नहीं कैलकुलेट करना है, हम तब भी बता रहे हैं, और टुकड़े में ही चलेंगे, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, वो उसी स्लोगन पे काम कर लेंगे, 3 की पावर 5 कैलकुलेट करना आसान है ना, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 का 9 3 27 3 81, 81 को 3 से गुणा और कर लो, काम खत्म हो गया है, ठीक, ये मिटा रहे हैं, यानी ये अपने पास हो गया 3 की पावर 282 into 3 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट 3 की पावर 5 मॉडुलो 7 और 3 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट कितना 5 ना, अरे देखो ना 81 गुणे 3 और करो, 3 1 के 3 8 3 24 243 और 243 को 7 से भाग लगा दो, 7 3 21 कितना बचा 3 फिर 3 7 4 28 28 2 30 3 और 5 ये रहा 5 रिमाइंडर 5 इस कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो कितना हो गया 7 तो कंबाइन कर लो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम बी कॉन्ग्रुएंट सी मॉडुलो एन तो ए कॉन्ग्रुएंट सी मॉडुलो एन यानी दिस इंप्लाइज दैट 3 की पावर 287 कॉन्ग्रुएंट कितना हो जाएगा 5 मॉडुलो 7 यानी रिमाइंडर कितना होगा 5 यही आपका रिमाइंडर है
समझे? ऐसे ही तलाश करना पड़ता है, नजदीक की पावर तक जाना पड़ता है। दे फिर एक, ये सीखना पड़ेगा, बड़ा फेमस सवाल होते हैं ये सब, और कुछ भी आ जाते हैं, कुछ आता पता नहीं है। इसमें एक जैसे सवाल नहीं होते, हर बार आपको नया सोचना पड़ता है। एक दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करा देंगे, क्योंकि यही इसका मीनिंग, इतनी इसी के लिए तो हम इतने दिन से रुके थे। लगभग लगभग सब नंबर थ्योरी का इसीलिए तो फायदा है। हाँ, तुक्का सिखाते हैं ना, तुक्का सिखाते हैं, जबकि तुक्का नहीं है इसमें, तुक्का नहीं होता है इसमें, आपको प्रॉपर रूल्स, ये नियम है इसके, यही इसके नियम है। और नौ की डिजिट वाला, नौ से डिवाइड वाला सोचो, है इसका नियम, वहां हम लोगों को सिखाया जाता था कि ये शॉर्ट ट्रिक है। हाँ, याद आया ना, तभी हम कह रहे थे उसको एक बार चेक करना, जो माइनस वन की पावर लिख दिए थे, ऐसा नहीं, लास्ट में पॉजिटिव ही बचता है। तभी हम कह, याद रखो उसको, वो बड़ा फेमस है। ये दोनों फार्मूले ऐसे हैं ना, जिसमें तुमको पहले में सारा पॉजिटिव मिलेगा, दूसरे में अल्टरनेटिव होता है, तो याद रखना पड़ता है लास्ट में पॉजिटिव आएगा, यही याद है उसमें। लिखना, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 35। प्रॉब्लम है, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर, हम यार पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगस्त लग गया। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 11 टू द पावर 35 इज डिवाइडेड बाई 13। 11 की घात 35 को 13 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? वीडियो रोक करके ट्राई करो। अब यहां यहां एकदम उलट बात चल रही है। जैसे हमको जो दिया गया है, अगर पहली बार मिल गया तो सोल्यूशन देखना, पहली बार का सोल्यूशन ये होता है कि 11 कॉन्ग्रुएंट 11 मॉडुलो कितना हो गया 13। बात तो जाएगी नहीं, करता ही। लेकिन अगर हम इसकी पावर तेजी से बढ़ाएं, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल है, तो अगर हम पावर तेजी से बढ़ाएंगे तो ये नंबर भी तो तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हम तो नंबर आ रहे हैं बड़े छोटे नंबर पर। 11 घर में 1/21 होता है, और 1/21 को 13 से भाग बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। हम इसको कर देते हैं, जैसे इंप्लाइज दैट 11 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 121 मॉडुलो कितना हो गया 13। अब 1/21 में 13 से भाग देके रिमाइंडर लिख दो, तो this implies that 11 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 मॉडुलो कितना हो गया 13 हो गया। इससे तुम यहीं पर ऐसे इक्वेशन बन कर ले, क्योंकि तुम्हारा पहला ही होगा। क्लियर है? और सुनो, अब अगर तुमने सोचा कि चलो हम 35 तक जाना है, तो 2 का मल्टीपल तो 35 नहीं है, 2 का मल्टीपल 35 नहीं है, इतना नीचे होंगे तो 35 के नजदीक जाएगा, 35 बनने वाला नहीं है। लेकिन जितना तेजी से और ये भी तो चलेगा, एक तो छोटे में 4 तक छोड़ा, और 13 से 18 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। हम कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट 11 की पावर 2 होल टू दी पावर कितना छोड़ दे 2 कॉन्ग्रुएंट 4 टू दी पावर 2 यानी कि 16 मॉडुलो कितना हो गया 13 यानी दैट इज अर्थात 11 टू दी पावर 2 गुना 4 कॉन्ग्रुएंट कितना हुआ 3 मॉडुलो 13। कर सकते हैं? अच्छा, अब गौर करना, अब अगर हम देखें तो 3 त्रिक का 9 अभी दूर है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 13 दूंगी 26 से 27 पहुंचे नजदीक की नहीं पहुंचे। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब यहां से इसको लिखते हैं 11 टू दी पावर 4 टू दी पावर 3 आया ना, और ये हो गया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 कॉन्ग्रुएंट 27 मॉडुलो कितना 13 यानी दिस इंप्लाइज दैट 11 टू दी पावर 4 क्लाइन 12 कॉन्ग्रुएंट कितना हो जाएगा भैया 35 तक जाना है, 12 2 24 12 9 36 ठीक 36 तक चले जाएंगे, 35 से ऊपर निकल जाएंगे।
लेकिन 11 24 की पावर वन मॉड्यूल 13 यानी अपने लोग सीधे चल गए 11 की पावर 20 बार बार 24 कॉन्फिडेंट कितना हो गया वन मॉड्यूल 13 सहमत हो कि नहीं सहमत हो और नजदीक में जाते हैं 24 को ढीले से और नजदीक पहुंचाते हैं ये बताओ 24 4 28 होता है 24 भाई ये लिख करके बैठे हुए हो ये यहीं पर लिख करके बैठे हो 11 की 4 कॉन्फिडेंट 3 मॉड्यूल 13 है तो यानी हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 11 की पावर 24 इनटू 11 की पावर कितना 3 सॉरी 4 11 टू दी पावर 4 कॉन्फिडेंट जब 11 की 4 कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंट कितना 3 है तो उधर कितने से मल्टीप्लाई करो 3 एक्चुअल में इधर मैंने 11 की 4 से ही मल्टीप्लाई किया लेकिन 11 की 4 मॉड्यूल 13 होता कितना है 3 होता है ये कितना हो जाएगा 3 मॉड्यूल 13 क्या तुम धीमे धीमे नजदीक आ गए हो कि नहीं आ गए हो अब इतना पहले लिख लो तो मिटाएगा तब उसके बाद आगे बताते हैं 24 4 28 तक पहुँचे हो अच्छा 121 की घात 3 पहले 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं नीचे या कितना कर दूंगे तो 4 4 16 64 से काटोगे सिंपल है तब भी माइनस 1 आएगा हां माइनस 1 आएगा तो माइनस 1 की पावर इवन पे चढ़ाओ वो भी सही है कोई टेंशन नहीं है क्योंकि माइनस 1 की पावर इवन चढ़ेगा तभी ठीक चलेगा नेगेटिव रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए निकालो अगर दिमाग डिस्टर्ब हो गया इसमें तो गए काम से पूरा काट करके पूछते ही रहोगे कहाँ से कटेगा लोग छोटे छोटे से भर जाते हैं कहते हैं तुम घटना से देर मिली अभी भी कहते हैं जहाँ से भाई बोला पाप चढ़ाना चालू कर दिया दुनिया को टैलेंट थोड़ी दिखाना है मेरा सवाल बन गया टैलेंट तुम दिखाते रहेंगे वो सब तो थोड़ी ना बताना है आप देखने जा रहा है इसमें कितना है वो गाना शुरू करता है कौन की भी हो या पांडव का भी हो जो लग सकता है कुछ सॉन्ग ऐसे बने हुए हैं ना जिनको आप काल में ही रचना कर सकते उनका चार में खत्म नहीं होता चक दे इंडिया उस गाने का चार में खत्म नहीं होता और एक बहुत पुराने में एक था तुम लोग नहीं सुने होगे अगर देखे होगे तो सुनोगे हम मेहनत कर उस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे एक नहीं इस बार नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे मजदूरों के यूनियन से बना हुआ सॉन्ग है दिलीप कुमार राज बब्बर अरे काफ़ी सारे लोग अच्छे अच्छे और पहले एक बहुत फिल्म आई थी ना उनको नहीं याद है मूवी का लेकिन हम उसको देखे थे ब्लैक एंड वाइट मशीन वर्सेज आदमी की लड़ाई है ना उसमें एक सीन आता है जिसमें वहाँ से बाहर से मुंबई से एक वो आती है गाड़ी आती है टेम्पो उनको नहीं पहले कार बार आती थी वैसे तो वो आती है उसके बाद फिर ये तांगा चलाते रहते हैं तो ये होता है मशीनें जो है वो व्यापार खा लेंगी रोजगार खा लेंगी जो उनका तो कहते हैं कि ठीक है कार यहाँ पर चलेगी लेकिन एक शर्त पर तो वो इनके तांगे से जीत भी दिखाएगा फिर एक तुम्हारा तांगा खाते हैं और एक तरफ तांगा है एक तरफ कार है और दोनों की उसमें लड़ाई है कि आखिरी तक तांगा जीतेगा या कार जीतेगा एक बने रोटी कपड़ा और मकान देखो एकदम रियल पूरी तरह से है ये आएगा ना
24 और 4 28 28 कांग्रेंट कितना हो गया 3 मॉडुलो कितना था 30। अब तुम चार कर भी पावर नहीं बढ़ा क्योंकि आप अगर पावर दो भी बढ़ाओगे तो ये ऊपर निकल रहे उसको 35 तक रुक जाना था। तो आप देखो इसी में तुमको ना जवाब छिपा हुआ मिलेगा और आगे बढ़ाते और आगे धीरे तो चार पावर और बढ़ा दें चार और तो 28 चार कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब गौर करना चार पावर बढ़ाते ही मतलब अपने लोगों ने 11 के 4 मल्टीप्लाई कर देखना ये हो जाएगा 11 की 28 into 11 की 4 तो इधर भी 11 की 4 होगा लेकिन एक्चुअल में 11 की 4 कांग्रेंट कितना है 3 मान लो 13 है कर सकते हैं तो ये हो जाएगा कांग्रेंट 3 का 9 मॉडुलो 13 और ये हो चुका है 11 की हम जानबूझ के बड़ा लिख रहे हैं हम चाहे तो हम सीधे लिख सकते हैं और ये हो गया 32 कांग्रेंट 28 4 32 9 मॉडुलो कितना हो गया 13। अब कितने की कमी है 3 की क्या यहाँ 3 पावर नजर आ रही है नहीं लेकिन 2 नजर आ रहे हैं तो 2 और निपटा दो 11 की 34 कांग्रेंट अब सुनो 9 6 36 अब 13 से भाग लगाओ 36 में 13 से 13 दूनी 26 26 10 36 तो ये हो गया कितना 10 मॉडुलो कितना हो गया 13। अब सुनना 1 की पावर और 11 की 35 कांग्रेंट 11 धम में 110 और 110 में 13 से भाग लगाना था कितना 6। तो रिमाइंडर आपके हाथ में कितना आया क्लियर हुआ छोटे छोटे में बोलो ठीक है लंबा जाएगा लेकिन कर ले जाओगे आप समझ चाहते तो माइनस वन भी कर जाओ वो एक दो बार करोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा अच्छा इतनी पावर बढ़ाएंगे तो जल्दी लगेगा इतनी बढ़ाएंगे जल्दी लगेगा इसीलिए देर लग रही है नहीं तो मुश्किल से घड़ी की देख में 40 से 45 सेकंड में इससे ऊपर नहीं जाना कौन सा मतलब नहीं समझ तुम्हारा मतलब जैसे 11 की 11 का होल होता है हाँ बराबर 4 मॉडुलो अच्छा 11 की 2 कांग्रेंट 121 मॉडुलो 13 के बाद तुरंत 4 बोले यही ना को उठा करके उसको भी मान्यता दो सरकारी प्रॉब्लम लिखना व्हाट इज द रिमाइंडर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सम अच्छा तुम लोग दोनों सवाल नहीं लगा पाए ना दो दिए दोनों फंस गए ना व्हेन द सम 1 to the power 5 प्लस 2 to the power 5 प्लस 3 to the power 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 100 to the power 5 इज डिवाइडेड बाई 4 ये रहा अलग है फैक्टोरियल नहीं है फैक्टोरियल होता तो आसानी से निपटा देते हम ही लगवाएंगे टेंशन ना लो चलें लिखा जाए चल सुनो सॉल्यूशन देखना सॉल्यूशन में अगर तुम इसको निगाह डालो तो दो धड़े में बटे हुए लोग हैं 1 की 5 प्लस 2 की 5 प्लस 3 की 5 4 की 5 6 की 5 7 की 5 8 की 5 कुल मिला करके ये ऐसा है इवन की 5 प्लस ऑड की 5 हाँ या ना एक तरफ अगर इसका पैकेट तोड़ो तो ये लिखा गया है 1 की 5 प्लस 3 की 5 प्लस 5 की 5 प्लस 7 की 5 प्लस सो ऑन प्लस 99 to the power 5 ये लोग कौन हैं ऑड है फिर इसमें जोड़ा गया है प्लस 2 की 5 प्लस 4 की 5 प्लस सो ऑन प्लस 100 की 5 ये इवन है तो हमको दो बिहेवियर चेक करना पड़ेगा इवन की पावर 5 क्या 4 का मल्टीपल होता है कि नहीं और क्या ऑड की पावर 5 4 का मल्टीपल होता है कि नहीं ये दो बिहेवियर चेक कर ले मेरा काम बन जाएगा किससे ए कांग्रुएंट बी मॉडुलो एम सी कांग्रुएंट डी मॉडुलो एन
जोड़ दो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट बी प्लस डी मॉडुलो, उससे काम बन जाएगा। अब इसी के बेस पर लिख रहे हैं, लिखना सेंस, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 5 को देखते हैं तो 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट कितना होता है, 4 मॉडुलो 4, हाँ 0 मॉडुलो 4, क्योंकि 4 डिवाइड हो जाएगा, चलो 0 लिख देते हैं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 2 टू द पावर 5 कॉन्ग्रुएंट कितना, 2 मॉडुलो 4। सहमत हो कि नहीं, सही है गलत है, 0 होगा। इधर इधर 2 का मल्टीप्लाई किए, और 2 का नहीं बल्कि किसका किए, 2 की पावर 3 का किए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा वैसे देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 4 8 32 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आल्सो इवन नंबर टू दी पावर एन, इवन नंबर टू दी होल पावर एन, ठीक, इज अ मल्टीपल ऑफ, जो जानते हो उतने की बात करना, इवन नंबर की पावर कुछ भी कर दो इवन ही बना रहेगा, तो 2 का मल्टीपल होगा, तो इवन नंबर टू दी पावर एन इज अ मल्टीपल ऑफ कितना, 2। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि इवन नंबर टू दी पावर 5, ठीक, इज अ मल्टीपल ऑफ किसका लिखें, इवन नंबर टू दी पावर 5 इज अ मल्टीपल ऑफ क्या, 4 लिख दें, कि किसी भी इवन नंबर की पावर 5 क्या 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, किसी भी इवन नंबर की पावर 5 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, सोच करके जवाब, सोच के जवाब देना। होगा, पक्की बात होगा यार, ऐसे ऐसे देखो ना, इवन एक इवन नंबर है उसकी पावर आपने 2 किया तो ये किसका मल्टीपल है, 2 का। कोई अगला इवन नंबर है, फिर से कोई और इवन नंबर है उसकी पावर आपने 2 किया, अच्छा हम सेम कर देते हैं, इवन की पावर 2 किसका मल्टीपल है, 2 का, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का, दोनों का प्रोडक्ट लगाओ, दोनों का प्रोडक्ट लगाओ, ऊपर वाला 2 का मल्टीपल नीचे वाला, तो 2 दूना 4 का मल्टीपल तैयार हुआ। इसका मतलब इवन टू द होल पावर 4 इज अ मल्टीपल ऑफ कितना, लिख सकते हैं, अगर इवन की पावर 4 4 का मल्टीपल है तो फिर इसमें एक उसी इवन का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने किसी का मल्टीप्लाई किया ना कि कुछ निकाला, तो क्या 4 का ही मल्टीपल रहेगा कि नहीं, तो इवन टू द पावर 5 इज अ मल्टीपल ऑफ, सहमत हो कि नहीं, सोचो एक बात तो तय हो गई, 2 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 4, 4 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 4, सो ऑन, हर बार इवन की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 4 बनेगा। इसका किस्सा निपट गया, केवल इसका किस्सा बाकी रह गया। क्लियर हुआ? तो पहले तुम यही बात लिखो, यही बात लिखना, इवन की पावर एन मल्टीपल होता है 2 का, तो इसलिए इवन की पावर 5 मल्टीपल होगा किसका, 4 का। तकलीफ हो तो बताना, डिस्क्रिप्टिव लिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं उसकी। इसमें चालाकी सीखनी है, कैसे ये न्यूमेरिकल लग जाएगा। एक तो हरदम पसीना टपकता है। लिख लेना तो बताना, ये लॉजिक समझ में आ गया ना, ना
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बाद में भी याद रहेगा, भूलेगा तो वीडियो रिप्ले कर लेना वापस। अब ये मिटा रहे हैं, ठीक, मेरा काम इतने से बन चुका है। सुन, इसका मतलब एक बात तय हो गई, सो इसलिए कैसे लिखेंगे वो सुनना। 2 की पावर 5 कांग्रुएंट 0 मॉडुलो 4। फिर अगला लिखते हैं 4 to the power 5 कांग्रुएंट 0 मॉडुलो 4। और चूंकि समझदार हैं इसलिए और लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 100 to the power 5 कांग्रुएंट 0 मॉडुलो 4 लिख लिया। इसको कंबाइंड में पैक कर लो, रख लिया अपने पास। अब इनका हाल सुनना, ये बताओ नाउ, अब इनकी चर्चा करते हैं। 1 to the power 5 कांग्रुएंट 1 मॉडुलो 4, सही लिखा या गलत लिखा? सही है, अच्छा। इसके बाद फिर 1 के बाद कौन आएगा? 3 3 की पावर 5 कांग्रुएंट 3 की पावर 5 कांग्रुएंट, चेक करो कितना आता है 3 की 5 कांग्रुएंट। ना ना ऐसे ना देखो, सिंपल ऐसे निपटा दो ना, 3 की पावर 2 कांग्रुएंट 3 3 का 9 और 4 2 8 -1 मॉडुलो 4। सही किया या गलत किया? सही किया। हाँ, किस पे? अच्छा 3 3 का 9, सॉरी, हाँ +1 आएगा, +1। क्लियर हुआ? हाँ, 3 3 का 9 और 4 2 8 1 9, हम -1 लिख दिए। सुबह 1 चौक का नुकसान, इस टाइम 1 चौक का नुकसान, दिन बराबर 1 चौक जाती है, मेरा 3 रुपया चला जाता है ऐसे। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? 3 की पावर 2 के बाद इसको हम कर देते हैं ना फिर से 3 की पावर 4 मतलब पावर 2 बढ़ा दिए, तो कांग्रुएंट 1 मॉडुलो कितना हुआ? 4। सहमत हो कि नहीं? 3। अब फिर 3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर 5 कांग्रुएंट, ये कितना हुआ? 3। 3 हुआ, हम 3 नहीं लिखेंगे, 4 से डिवाइड लगाएंगे, -1 मॉडुलो। सही लिखा या गलत लिखा? कि 3 की पावर 5 -1 यानी 3 की 5 +1 इज डिविजिबल बाई 4, लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे 1 की 5 कांग्रुएंट 1 मॉडुलो 4, 3 की 5 कांग्रुएंट -1 मॉडुलो 4। सहमत हो कि नहीं? अब सुनना, अगला कौन होगा 3 के बाद 5 5 की 5 कांग्रुएंट, इनका हाल देखना। ये ना तुमको एक नकल बैठ जाएगी, आगे करना नहीं पड़ेगा कि ऐसे सब करना है, यही इसमें ना ट्रिक है और कुछ नहीं। हाँ, ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 चलेगा, 0 नहीं जाएगा। ये कई लोग हैं, ये देखना, 1 से लेकर 100 तक हैं, आधे इवन आधे ऑड, तो 50 आपके ऑड हो गए और 50 आपके इवन हो गए, 25 पेयर बने। 25 पेयर में सोचो हर बार पेयरिंग किसकी हो रही है, 1 -1 1 -1 1 -1, एक तरफ जोड़ो तो कितना? 0। इन बेचारों का ऑलरेडी कितना? 0। अच्छा, इसका जोड़ 0 बोल रहे थे, हाँ वो जोड़ कितना बैठा? 0। सब कट पिट जाएगा, कोई बवाले नहीं आने वाला, यही इसकी चालाकी है। तो ना 5 की 5 कांग्रुएंट 1 मॉडुलो। अब करके तुम ऐसे देख सकते हो, 5 कांग्रुएंट 1 मॉडुलो 4। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? 5 1 4 1 4 और 1 5, तो 5 to the power 5 कांग्रुएंट 1 मॉडुलो 4। क्यों? मैंने दोनों साइड में पावर कितनी चढ़ा दी? 5, 1 की पावर 5 1 ही रहा, तो नकल मिल गई, 1 -1 1। तो अगला जानते हो क्या लिखेंगे? 7 की 5 कांग्रुएंट -1 मॉडुलो 4। और यो चलते 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 99 की 5 कांग्रुएंट क्या जाएगा? क्या जाएगा? अरे नकल बैठाओ ना, प्लस के बाद माइनस आया 1 पेयर, फिर प्लस के बाद माइनस आया 1 पेयर, तो हर बार माइनस नीचे जा रहा है, तो ये कितना आएगा? -1। नहीं समझे? प्लस को माइनस के साथ पेयर कर दिया। अब फिर देखना, प्लस को माइनस के साथ पेयर कर दिया, तो प्लस को माइनस के साथ पेयर करेंगे तो ये सबसे नीचे आ रहा है, तो सबसे नीचे आ रहा है तो -1 है, तो इसके जस्ट ऊपर क्या बैठा होगा? +1। तो प्लस को माइनस के साथ पेयर कर दिया। क्लियर हुआ? ऐसे लिख लेंगे तुक्के में। समझ में आया आयुषी? अब मेरे पास दोनों रिजल्ट हो गए, सबको जोड़ देंगे। यहां पर हम ऐसे करेंगे, दीज आर टोटल 50 एक्सप्रेशंस
एक्सप्रेशन, ये टोटल कितने एक्सप्रेशन हैं, ये 50 और 50 ये हो गए, अब उठा करके मर्ज करेंगे, आसान हो गया। इसीलिए हम हर वैरायटी खोज करके कर दे रहे हैं, फैक्टोरियल का करवा दिए, ये फैक्टोरियल के जैसा था नहीं, ये अलग से करवा दे रहे हैं, लेकिन इतने के बाद भी तुमको ना सोचने पड़ेंगे, सवाल जहां मिल जाए लगाओ, ऐसा वाला सीन है उसका, लिखो खत्म किया जाए। हाँ अरे हम भी लगाए थे यार, हमको भी नहीं आता था, बस सीख गए किसी तरीके से, और अभी भी सब थोड़ी सीख पाए हैं, ऐसा नहीं है, कई सवाल जो लगाए रहो वो लग जाते हैं फटाफट, बाकी ना लगाए रहो तो उसमें हमको भी फंसना पड़ता है, हमको क्या हर टीचर को फंसना पड़ता है। ये कंबाइंड में जो आया है इसको 1 कह दो, ये जो आया है इसको 2 कह दो, और हम लिखेंगे 1 and 2 टूगेदर, अब दोनों को हम एक साथ ला रहे हैं, या कंबाइनिंग 1 and 2 कर देंगे, सबको एक में कंबाइंड करो। सो इसलिए 1 की 5 प्लस 2 की 5 प्लस 3 की 5 प्लस अब 200 प्लस 100 की 5 कॉन्ग्रुएंट, हम सीधे 0 भर दे चलेगा, इधर सारे 0 हैं, उधर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अल्टरनेटिव चल रहा है, तो जब जोड़ोगे तो 1 से -1 कटा, 1 से -1 25 पेयर में सब खत्म हो गए, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो कितना, कितने से था 4 से, मतलब ये लोग 4 से जब डिवाइड होगा, इस सम को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, लिख देना रिमाइंडर विल बी 0, एक लाइन लिख देना रिमाइंडर विल बी 0। अब हम एक फिर दे रहे हैं ना, अब वो लगा करके बताना, उसमें गड़बड़वाना मत, बोले व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, जब 3 की पावर 12 लिखो, व्हेन 3 की पावर 12 प्लस 5 to the power 12, 3 की पावर 12 गलत नहीं है सही है, 3 की पावर 12 प्लस 5 to the power 12 इज डिवाइडेड बाई 13, इज डिवाइडेड बाई 13। अब वीडियो रोको और लगाओ, यही होमवर्क है, ये कितना आएगा, बस 53 की 103 प्लस 103 की 53 कॉन्ग्रुएंस समथिंग मॉडल 39, वो रिमाइंडर यहां पता कर लो, काम हो गया, होमवर्क। दिव्यांश तुम्हारा ही फंसा है कि तुम्हारा भी आ गया, तुम्हारा नहीं आया होगा, हाँ इसको होमवर्क करना, आंसर तुमको बता दे रहे हैं 0 आएगा, इट इज डिविजिबल बाई 39 आएगा, ठीक, हाँ करना, करोगे तभी आएगा, हाँ किसका, रोक रोक नहीं दे रहे थे इसीलिए।